My life. Yes. नारायण वर्मा वेरी गुड इवनिंग. आवाज़ आ रही क्या? एक बार यस और नो बोल दो, देन वील मूव ऑन. किशन पटेल गुड इवनिंग. ठीक है, दिव्या देवांगन वेरी गुड इवनिंग. सुधीर वर्मा यस, ठीक है, ठीक, चलो. वेरी गुड इवनिंग विकास, वेरी गुड इवनिंग. और बाकी लोग, अश्वनी भारद्वाज वेरी गुड इवनिंग. ठीक है, चलो. तो भाई सबको एक वार्म गुड इवनिंग मेरे साइड से फ्रॉम अचीवर साइंसेस एकेडमी. आप लोग ने 9 बजे तक वेट किया मेरा, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद. थैंक यू सो मच. दीपिका ठाकुर वेरी वेरी गुड इवनिंग. और मैं फिर से थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज फिर से मैंने 9 बजे क्लास लिया है, क्योंकि क्या 8:30 की जो टाइम थी मेरी ड्यूटी आवर्स हो गई. सो दैट अभी 9 बजे मैंने शिफ्ट किया, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरे टाइम के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा फ्लक्चुएट होगा मेरा टाइमिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ बिलासपुर पे मैं कोरोना टास्क फोर्स पे पोस्टेड हूँ, जैसा आपको मैंने बताया था, तो मुझे अकस्मात ही अपने काम पे निकलना पड़ जाता है कई बारी, है ना. तो इस कारण से थोड़ा सा टाइम के साथ, शालू सिंह वेरी गुड इवनिंग, तो टाइम के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करिए मेरे साथ, है ना. चलिए, बहुत बहुत गुड इवनिंग सबको, जितने लोग भी ऑनलाइन है. समृद्धि गुप्ता वेरी गुड इवनिंग. चलिए, तो भाई आज का फिर, इससे पहले कि हम अपनी परंपरा चालू करें, आप अपना एक धर्म निभा दो. और धर्म ऐसा, क्या धर्म? स्टूडेंट धर्म निभाओ और जल्दी से जल्दी पहले से लाइक मारो, जल्दी से शेयर कर दो, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा कर लो. और साथ ही साथ जो बाजू में बेल का जो आइटम, जो आपका क्या आइकॉन है, उसको क्या है थोड़ा सा प्रेस कर देना है, सो दैट आपको जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा तब आपको इसका क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा. और आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो बिल्कुल आप उसको दबाइए. और यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और बाकी लोगों को भी करवाओ, ताकि ये जो फ्री जो क्लासेस चल रही है ACF और रेंजर के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए, वो क्लास हमारे लिए भी वर्थ हो और आप बाकी लोगों तक भी इसकी क्या जानकारी पहुंचा सको. ठीक है, तो चलिए. राखी कश्यप वेरी गुड इवनिंग. चलो, बहुत लोग आ गए हैं, अब तो हम लोग चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे भी टाइम हो चुका है. मैं कोशिश करूँगा 1.25 घंटे में इसको रैप अप कर दूँ, है ना. तो चलिए फिर हम लोग क्या, अपनी ट्रेडिशन, हमारी जो परंपरा है उसको हम निभाते हुए, सबसे पहला हम क्या क्वेश्चन लेते हैं हमारे कहाँ पे, आप लोग के स्क्रीन पे, भाई मेरे स्क्रीन पे आएगा, वो आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेगा. तो देख लो पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताने वाला हूँ जो कि पिछले लेक्चर पे छूट गया था, तो उसको वहां पे आप ऐड करते जाइएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. चलो राखी सबको, हाँ सब जितने लोग भी आ गए भैया, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग. अगर किसी के पास मेरा गुड इवनिंग नहीं पहुंचा होगा तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलूंगा. और चालू करते फिर आज का पहला सवाल. यस, तो पहला सवाल देख लो. पहला सवाल बोलता है अमीबा वॉज डिस्कवर्ड बाय, मतलब निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जिन्होंने अमीबा को क्या किया, डिस्कवर किया था, कि अमीबा नाम का क्या है, सुपरस्टार है ना, और ऐसा सुपरस्टार है जिसको सब जानते हैं और जिसे अपने इंट्रोडक्शन के लिए नहीं बोलना पड़ता कि जानते हो मेरा बाप कौन है. क्यों है कि ये खुद बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये अमीबा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होता है और इसको जनरली सब जानते हैं. ठीक है, तो यस, तो अमीबा को खोजने वाले जो साइंटिस्ट है, जो व्यक्ति है, वो कौन है, आपको इसका आंसर बताना है. पुष्पा पटेल वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको. और गुड इवनिंग के साथ आप पहला आंसर दो, और फटाफट चलो टाइमर चला दो यार, 10 सेकंड का, 10 सेकंड है आपके पास, 10 भी नहीं, 8 हो गया मेरे बोलने से. अब जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो, फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे. यस, तो इसका जो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, अमीबा को किसने डिस्कवर किया था, इट वॉज नॉट मी, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बट इनमें से कोई है जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था. सम सेज डी, सम सेज बी. आवाज कट रहा है सर, आवाज कैसे कट रहा है, एक बार बता दो, आवाज ठीक आ रही है क्या फिर से? अगर सॉरी आवाज थोड़ी कट रही होगी तो फिर से देख लो आप, आ रही आवाज ठीक से? अश्वनी भारद्वाज को नहीं पता. यस अश्वनी, यस आपको देख के क्वेश्चन आपका याद आ रहा है, आपने क्वेश्चन किया हुआ था कुछ, तो ये सब होने के बाद मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा. ठीक है,
थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। हाँ ठीक है, ओके चलो, आवाज़ ठीक आ रही है तो इसका आंसर बता दो। किसी ने बी बोला, किसी ने डी बोला, किसी को पता नहीं है, किशन पटेल भी डी बोल रहे हैं, यस। जिन्होंने भी डी आंसर इसका लिया है वो एकदम सही जवाब है, यस। रोजेनहॉफ द मैन द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अमीबा, बहुत सही पहला क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोगों ने। हाँ, आवाज़ थोड़ी सी क्या भिन्न भिना रही है, सॉरी अगर उसके लिए मेरे को लग रहा है थोड़ा गूंज रहा है, थोड़ा सा इको हो रहा है, थोड़ा सा देखिए उसको, है ना, बेयर करेंगे आप थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, विकास ने भी डी बोला है, बहुत सही जवाब है आप लोग का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमीबा वॉज डिस्क्राइब इन डिटेल बाय एरिस्टोटल, रोजेनहॉफ और इज इट रोनाल्ड रॉस और क्या है हिर्शफील्ड। चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से टाइमर लगा दो इसका 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में आप लोग का आंसर मेरे स्क्रीन पे आना चाहिए, तभी तो मैं सोचूंगा आपने सही सही पढ़ा हुआ है। और ये भाई, ये जितनी चीज़ें हमने अभी छूटी हुई है जो अभी बता रहा हूँ उसका अमीबा वाले चैप्टर पे क्या वहाँ पे नोट डाउन करिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सवाल बिल्कुल आ सकता है। चलिए, डोंट नो सर, नारायण वर्मा डोंट नो, और कौन है जो जानता होगा, विकास वर्मा का पिछला आंसर अभी का बता दो, अभी का बता दो, जल्दी बोलो यार, 10 सेकेंड का टाइम था आपको। ACF या फिर रेंजर में आपको बहुत कम समय मिलने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है और समय कम, तो आपको विद इन सेकेंड्स 10-15-20 सेकेंड में आपको क्या क्वेश्चन आंसर लगाना है। या तो मैं आपको कम समय दिया हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। चलो, बाकी लोग को पता नहीं है तो इसका सही उत्तर है जो किशन पटेल ने दिया है, दिखाओ जरा 1 सेकेंड ना। चलो, जिन लोग अभी फिर से जुड़ रहे हो सबको फिर से बोलूंगा वेरी गुड इवनिंग, और जल्दी से शेयर भी कर दो, लाइक कर दो। अश्वनी भारद्वाज डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं अश्वनी, और जिनको भी नहीं पता है तो इसमें क्या है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 गलतियाँ करने के लिए हैं ताकि जो 101वां जो गलती होता है वो ना हो, वो सही होगा, हमारे एग्जाम में वो सही हो, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ देने का एग्जामिनर को, क्यों है उसको चेक करना है आपके सही जवाब देखकर, यस। तो इसका जो सही जवाब है जिसने भी डी बोला है क्या हिर्शफील्ड, यस दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जिसको नहीं पता टेंशन मत लो, आप बस रुके रहो, देखते रहो, याद करते रहो, यस 16 हो गया ना, एम आई ऑनलाइन, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू था यार, प्लीज उसके साथ टेंशन नहीं लेना, अपन फिर से कनेक्ट कर लेंगे, हो गया है, यस। क्वेश्चन फिर से बोल दूं कि न्यूट्रिशन ऑफ क्या अमीबा तो किस प्रकार का पाया जाए, जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया था आपको तो मैंने ये जितने प्रकार है सब मैंने डील किया था, इसको छोड़कर, है ना, कैनिबलिस्टिक को छोड़कर, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, आपको बताना है कि अमीबा में किस प्रकार का पाया जाता है। इसका टाइमर चलाओगे तो 10 सेकंड मिल जाएगा बच्चों को, चला दो। समृद्धि गुप्ता ए, राखी कश्यप ए, और कौन, दीपिका ठाकुर ऑल्सो सेज ए, विकास वर्मा सेज यस, बहुत सही जवाब ए, ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ते, इसका जो सही 5 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया, इसका सही जवाब है होलोजोइक, और होलोजोइक आपका न्यूट्रिशन का वो प्रकार है जिसमें कि पूरा का पूरा जो आपका न्यूट्रिशन है, जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या किया जाता है, एनगल्फ किया जाता है, उसको बॉडी में समा लिया जाता है, इसका इतना आपको पता है, मुझे आप ये पता है, ठीक है, क्योंकि आप सभी इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है और बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलते हैं द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड इनटू अ सेल बाय द बर्डिंग ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है देख लेंगे ना, वेसिकल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, अगर किसी भी हम लिक्विड डाइट को क्या करेंगे अपन अंदर लेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो वो इसमें कौन सी क्रियाविधि कहलाती है, क्या वो एंडोसाइटोसिस है या फिर पिनोसाइटोसिस है या फिर एनगल्फमेंट है या फिर फेगोसाइटोसिस। चार ऑप्शंस आपके 10 सेकंड आपके स्क्रीन पर, चालू, देखो भाई 10 हो गया, 9, जल्दी से इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दोगे तो मेरे को धन्य हो जाऊंगा मैं, और धन्य इसलिए होऊंगा क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है और इसको आपको वहां पे ऐड करना है, ठीक है, करोगे, करना, कर ही लेना, और हो सकता है ये आ जाए। किशन पटेल कहते हैं सी दैट इज एनगल्फमेंट, और कोई, इस बार सारे ऑप्शंस आपको मिलते जुलते लगेंगे और सबका अलग अलग मीनिंग होता है, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया ताकि इस चीजों का वहां पे ऐड कर लो, कहां अमीबा, ठीक है, दस्तावन जिसके बारे में सबको जानकारी है कि ये अमीबा है, और उसी अमीबा में इसमें कुछ प्रकार का एक क्या होता है, इंटेक करता है भोजन अपना, और मैंने एक चीज बोला लिक्विड, ये भी देख लो आप, है ना, लिक्विड, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है ये, इसीलिए मैंने आपको दिए इतने सारे ऑप्शन। तो सबका कहना है ए, अभिषेक शाहू का कहना है सी, और कोई है क्या इस पे, चलो कोई नहीं है, सुनील कश्यप का भी है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आप फंस चुके हो क्योंकि सबके जो उत्तर है वो गलत है, और इसका जो सही जवाब है दैट इज
पिनोसाइटोसिस। और कैसे पिनोसाइटोसिस? अब देखो मैंने बोला लिक्विड को ध्यान दो, अगर लिक्विड को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिया जा रहा है किस पे, अमीबा पे, तो वो होगा आपका पिनोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस इसमें क्या होगा आपका, जो सॉलिड मटेरियल उसको लेगा, है ना। और एनगल्फमेंट, एनगल्फमेंट क्या है, वही आपका एंडोसाइटोसिस। बट एनगल्फमेंट में थोड़ा डिफरेंट है क्या, कि वहां जो अमीबा है वो क्या करेगा, अपने कूटपाद, अपने क्या सीरोपोड्स के द्वारा उसको कवर करता है। फैगोसाइटोसिस आल्सो सेम एंडोसाइटोसिस। समझ गए ठीक, तो इसको क्लियर करिएगा वहां पे, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, एंडोसाइटोसिस नहीं दीपिका, एंडोसाइटोसिस नहीं है आपका, पिनोसाइटोसिस है, ठीक है। इसको आप उत्तर को लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने लिक्विड को स्पेशली पॉइंट किया था, लिक्विड को ध्यान दो, है ना, जहां पे सॉलिड होगा दैट इज एंडोसाइटोसिस, ठीक। तो इस प्रकार से सवाल आएंगे और बाकी लोग से नहीं बनेगा, लेकिन आप बना लोगे क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है, क्योंकि आपने एक क्लास अटेंड किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी लोग को भी बोल दो जब तक क्वेश्चन आता है कि वो ज्वाइन करेंगे क्लासेस। यस, द क्वेश्चन इज क्या है, दिस इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, आई मीन विच ऑफ दिस इज द लोकोमोटरी आपका ऑर्गन ऑफ अमीबा। अमीबा में आपको बताना है कि लोकोमोशन मतलब जिससे वो चलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जिसके कारण ये क्या होगा, अमीबा गति करता है, फिसलता है। यस, द ऑप्शन इज फ्लैजिला, ऑप्शन बी सिला, एस सीलिया, एंड पैरापोडिया, एंड लास्ट वन इज सीरोपोडिया। बहुत आसान, विद इन सेकेंड्स, 10 सेकंड का टाइमर लगा दो और 1 सेकंड में उत्तर दोगे आप, दोगे। यस, देखिए यस, दीपिका ठाकुर ने विद इन सेकंड 3 सेकंड्स में आंसर दिया है। यस, बहुत तालियां आपके लिए दीपिका। विकास वर्मा एकदम सही, नारायण एकदम सही, दिव्या एकदम सही, तरुण एकदम सही, जितने लोग ने आंसर दिया बहुत सही, इसका जो सही जवाब है वो सीडोपोडिया है, ठीक है। फ्लैजिला पाया जाता किसी और चीज में, है ना, आपका सीलिया पाया जाता किसी और चीज में, सीलिया आपको पाया जाएगा कहाँ, पैरामीशियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, डी, सॉरी कोई दिक्कत नहीं सुनील, डी नहीं इसमें नहीं, हाँ ये क्वेश्चन देख लो, इन अमीबा एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू, आपको इसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के देना, क्योंकि अगर मैं सोच समझ के देना कह रहा हूं मतलब आपको वहां पे ऐड करना होगा आपके उस वाले चैप्टर पे, कौन सा, अमीबा पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने वाला हूँ चीजों को। यस, सो द इन अमीबा एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू, किसके द्वारा अमीबा में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, ऑप्शन, और आराम से इसका उत्तर देना, जल्दीबाजी नहीं, 10 सेकंड है, लास्ट 1 सेकंड में दोगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल, क्या ये सही है, या फिर प्लाज्मा लेमा, या फिर क्या पैरापोडिया, या फिर न्यूक्लियस, जल्दी से उत्तर दो। और मुझे पता है मैक्सिमम लोग इसका गलत जवाब दोगे, इसलिए मैंने बोला बहुत ध्यान से देखना, 10 सेकंड चालू हो गया आपका, सबका कहना ए ए ए ए, ओके चलो ठीक है। और इसी क्वेश्चन को मैं लास्ट क्वेश्चन में फिर से डील करूंगा, तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था, वो मुझसे स्किप हो गया था। यस, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, चीजें स्किप हो गई थी। या सबका कहना ए, तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, आप सबका गलत हो गया जवाब, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल मैंने पिछली बार बोला था कि एक्सक्रीशन करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस मैं एक आपको क्या, प्लाज्मा लेमा के बारे में बताना थोड़ा भूल गया था। और प्लाज्मा लेमा के बारे में आपको ये बताऊं कि प्लाज्मा लेमा हमारा क्या, तो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर एक और क्या लाइनिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। और अमीबा में प्लाज्मा लेमा एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मैंने कल की क्लास में भी बोला था कि कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल भी एक्सक्रीशन करेगा, बट करता है सम एक्सटेंट, थोड़ा सा कुछ मात्रा में, ठीक है, लेकिन मेन जो उसका जो ऑर्गन है जो काम करता है दैट इज प्लाज्मा लेमा। तो इसको आप अमीबा वाले जो लेक्चर है वहां पे अगर नोट्स बनाया होगा तो वहां पे नोट करिएगा। एंड फिर से आई बेग फॉर योर पार्डन, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको नहीं बताई थी कल, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, ठीक है, तो यार सॉरी बोल रहा हूँ, माफ तो कर दोगे, करना पड़ेगा क्योंकि इंसान से ही गलती होता है ना। चलिए तो इसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एक्सक्रीशन है किसमें, अमीबा में, उसके लिए जो मेन जो क्या है डेडिकेटेड ऑर्गन है दैट इज प्लाज्मा लेमा, ठीक है। ये भी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल नहीं, ऐसी बात नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल भी है आपका क्या एक्सक्रीटरी, लेकिन ये क्या टू सम एक्सटेंड थोड़ी मात्रा में करेगा, बट जो आपका क्या डेडिकेटेड जो ऑर्गन है दैट इज प्लाज्मा लेमा, इसको ऐड करिएगा, ये मैं कह रहा हूं। और बाकी लोग को जोड़ो यार, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है। विकास वर्मा ओके सर, साउंड ठीक ठीक कर रहा है, टिक टिक, ये कैसा टिक टिक कर रहा है एक बार देखो जरा, तो 1 सेकंड अगर आपका ये जो आवाज टिक टिक कर रहा है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि ये हो ना। समझ आ गया ना कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल क्या है, इसके बारे में एक और क्वेश्चन है लास्ट, आवाज आ रही है एक बार देख लो, टिक टिक की साउंड आ तो नहीं रही है, तो फिर मेरे इधर से है, अच्छा चलिए मैं चेक करता हूँ क्या है। सर समथिंग इज बीपिंग, आई थिंक इज इट,
ऑफ स्मार्टफोन कैमरास। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस और नो प्लीज़। अगर आ रही है तो कैसी आ रही है, जल्दी बता दो। अगर ठीक होगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। यस सर, ठीक है, चलो अब ठीक आ रही है। चलो नेक्स्ट स्लाइड लगा दो, अगला क्वेश्चन जल्दी देखो फटाफट, 5 मिनट में पूरा खत्म करेंगे अगर आंसर जल्दी जल्दी आप दोगे तो। जो भी लेट होता है आपकी तरफ से लेट हो रहा है, क्वेश्चन तो मैं फटाफट भगा रहा हूँ, है ना? तो जल्दी 10 सेकंड में आंसर देना। यस, द क्वेश्चन इज एंट अमीबा डिफर्स फ्रॉम अमीबा इन नॉट हैविंग, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिथिका दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री इन ह्यूमंस, मैंने कल बताया था। तो इसमें कौन सी ऐसी संरचना है या कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि नॉर्मल अमीबा में तो पाया जाता है बट एंट अमीबा में नहीं पाया जाता, ये आपको उत्तर देना है। मैंने कल एक ऑर्गन बताया था और मैं फिर से मैं आपको सॉरी बोलूंगा कान पकड़ के कि मैंने इस चीज आपको कल फिर से स्किप करा दिया था, इसलिए आज इसको मैं कवर करा दे रहा हूं, ठीक है? सीडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वोक्यूल और आपका क्या है, एक्टोप्लाज्म। आपके पास चार चार ऑप्शन है, चार में आपका टाइमर लगा दो, 10 सेकंड चालू हो गया भैया, और जल्दी से 10 सेकंड में आंसर दो इसका क्या है। ऑप्शन डी दैट इज एक्टोप्लाज्म। ओके, और कोई है क्या जो इसका जवाब देगा? समृद्धि गुप्ता, बट स्टिल नॉट क्लियर। आई थिंक आई हैव डन फ्रॉम माई साइड, अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। आज थोड़ा सा ऐसे ही बेर करेंगे, है ना? ऐसे भी टाइम हमारे पास कम है। तरुण गुप्ता, डी सुनील, सब होता तो मैं क्वेश्चन ही क्यों देता। क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि उपस्थित नहीं होगा, किसमें? नॉर्मल अमीबा में है बट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में प्रेजेंट नहीं है। दो ऑर्गन्स नहीं होते, एक मैंने कल बताया था, एक इसमें से कोई है, आपको बस यही बताना है। 10 सेकंड आपका खत्म हो चुका है। अश्वनी सर, मेरे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आई नीड टू लीव, सॉरी, ऑफलाइन नहीं देखना पड़ेगा। अश्वनी भारद्वाज, अगर आप रुकोगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं दे दूंगा, बस ये क्वेश्चन आंसर बस आप देख लो थोड़ी देर, है ना? चलिए, इसका जो सही आंसर है सबने दिया है डी डी डी, सबने डी एक्टोप्लाज्म। लेकिन आपको सही जवाब इसका मैं दे दूं, जो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसमें आपका क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल नहीं पाया जाता है। इसको भी आप लाल पेन से वहां पे नोट कर लीजिएगा, जहां पे मैंने नोट करने के लिए किसको बोला था आपको, गॉल्जी बॉडी, जो कि कहां नहीं पाया जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद आया? वहां पे इसको भी ऐड करिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल। कुछ चीजें स्किप हो गई थी उसको मैं ऐड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ छूटी हुई चीजें वहां पे कवर हो जाती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबने डी बोला था, यस, लिविंग अमीबा इज, आपको ये बताना है कि लिविंग अमीबा एक जीता जागता जो अमीबा है क्या है, जीता जागता वो क्या है, किस कलर का है, लाइट ग्रीन, पेल ब्लू, ट्रांसल्यूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट, किस प्रकार का दिखाई देगा अगर हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो। कायदे से जो अमीबा है वो आपको नेकेड आंखों से भी दिख जाता है, ये भी आपको बता दूं, ठीक है? काई किसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएंगी, और इसमें से आपको बताने कि जनरली इन कॉमन हमारा जो अमीबा है वो कौन से कलर का होता है, एबीसीडी बता दो जल्दी, 10 सेकंड लगा दो, जैसे क्वेश्चन खत्म हो 10 सेकंड लगा दें प्लीज। आई थिंक ग्रीन। ओके, चलिए आप सिर्फ थिंक करिए कि ग्रीन है ब्लू है कैसा है, मैं आपको आंसर बता दूंगा उसको, आप वहां पे नोट करते जाइएगा। ये ऐसी चीज है जो पिछले क्लास में छूट गई थी, यही मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है? चलो सी 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 ए सी ए, ठीक है, चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं, कहीं जल्दी खत्म करना है। इसका जो सही उत्तर है वो दिया है तरुण गुप्ता ने, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा सा हल्का चमकदार होगा, ठीक है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी होगा हल्का हल्का, तो उस प्रकार से क्या हमारा क्या ये ट्रांसल्यूसेंट कलर है, किसका, हमारे अपने अमीबा का, द स्टार वन, जिसको कोई नहीं जानता, ऐसा पॉसिबल नहीं, उसको सबको ही जानते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर है ना भाई, है ना? चलिए, लाइट ग्रीन मे बी नॉट लाइट ग्रीन, इट इज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, इसको क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन टच्ड विद नीडल अमीबा वॉल, मतलब यदि हम अमीबा को, एक जिंदा एक लिविंग अमीबा है उसको अगर हम ऐसे नीडल से टच करें, ऊपर से नीडल से टच करें, उसको परेशान करें तो क्या करेगा? पहला है स्प्लिट इंस्टेंटली, क्या स्प्लिट करेगा तुरंत, या फिर वो डाई करेगा, मर जाएगा, या फिर वहां से दूर भागेगा, या फिर डेवलप सीडोपोडिया, या फिर सीडोपोड्स का वहां निर्माण करेगा, क्या करेगा अगर हम उसको नीडल चुभाएंगे तो? भाई आपको चुभाएंगे तो आप क्या करोगे, ये भी लिविंग ऑर्गन है ना, तो क्या होगा जल्दी बताओ इसका। नारायण वर्मा से, यार 4 सेकंड हो गया बच्चा है, चार जल्दी दो इसका जवाब, फिर आगे बढ़ेंगे। तरुण गुप्ता से सी, और कोई नारायण वर्मा कह रहे हैं ए, किशन ए, दीपिका डेवलप सीडोपोडिया, नारायण वर्मा जी, अच्छा नहीं आपका ठीक है, ओके। और यस, तो इसका जो सही उत्तर है मैं बताना चाहूंगा कि किसने सही दिया है, दिया है सही नारायण वर्मा, नहीं, तरुण
तरुण गुप्ता, इट इज तरुण गुप्ता, यस मूव अवे। जब उसको हम निडिल चुभाएंगे तो वहां से क्या करेगा, अरे ऑब्वियसली बात उसको भी चुभेगा, ऐसे याद कर लो ना, चुभेगा तो भगेगा, हमको इंजेक्शन लगता है भगते है ना, ऐसे ही तो इसको भी लगेगा तो ये भगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको ऐड करते जाइएगा, मैं आपको कह दे रहा हूँ ऐड करते जाइएगा आपके अमीबा वाले चैप्टर पे अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक, अगला है क्या, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल इन अमीबा इज। अब ये जो सवाल है बहुत ही क्लोज सवाल है और ये सवाल आएगा तो आपको आंसर क्या लगाना है आप देखिएगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने जो बताया उसके हिसाब से आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपको जो उत्तर क्या लेना है, जो सबसे नजदीक का उत्तर हो, जो सबसे सटीक हो, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सटीक कुछ कुछ है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख गया होंगे, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, या फिर एक्सक्रीशन है, या फिर टेम्परेचर रेगुलेशन है, या फिर ऑस्मो रेगुलेशन है। आपको मैंने अंतिम में बताया था कि एक्चुअल में जो क्या हमारा वोक्यूल्स है, कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल, उसका मेन फंक्शन क्या है, आपको मैंने अंतिम बताया था। ठीक है, याद करो और इसका आंसर जल्दी से दे दो, आपके 5 सेकंड निकल गए हैं, सिर्फ 2 सेकंड और। ऑस्मो रेगुलेशन, दीपिका ठाकुर, और कोई, किशन पटेल से जे, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, यस, और कोई, ऑप्शन डी राखी कश्यप, और कोई। देखो मैंने हिंट दे दिया, मैंने सबसे अंतिम में आपको चीज बताया था कि उसका मेन फंक्शन क्या है, और अगर क्वेश्चन में आपको आया तो उत्तर क्या लगाओगे, मैंने ये भी कल बताया था। विकास वर्मा, ऑप्शन डी, यस। तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, जिन्होंने भी क्या दिया है, ऑप्शन डी, एकदम सही जवाब। और मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि आप इसका जवाब दे पाओगे क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, सब मिलता जुलता ही है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा और सही जवाब दिया कि मेरा जो दिल है वो क्या हो गया है, कारण गारण हो गया है। ठीक है, भराया है खुशी से। चलो बढ़िया, अश्वनी भारद्वाज, ठीक डी आपका भी सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, यस। तो क्वेश्चन आंसर सेक्शन हमारा खत्म हो जाता है, अभी हमारे पास 5 से 6 मिनट बचा है। तो मैं अश्वनी आपका एक आपने जो सवाल किया था, सवाल आपने क्या बोला था, फैट, उसको क्लोज कर दो प्लीज, फैट और आपका क्या ग्लिसरॉल, ये दोनों के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जिन्होंने भी मेरा पिछला क्लास जो कि इंटेस्टाइन में हमारे क्या हमने क्या एब्जॉर्प्शन जब पढ़ा था, अगर आपने उसको क्या अटेंड नहीं किया है तो उसी को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हो, क्योंकि किसी को डाउट आया था, किसी को नहीं, अश्वनी को डाउट आया था और मैं उस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी क्लियर हो जाइएगा, यस। तो अश्वनी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे बॉडी में जब हम फैट का क्या करते हैं, फैट का जब हम उसको डाइजेशन करेंगे तो फैट का जो डाइजेशन है अल्टीमेटली किस में होगा, आपका फैटी एसिड में होगा, और उसके अलावा एक प्रोडक्ट होता है क्या, ग्लिसरॉल, दो चीजों में होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो ग्लिसरॉल है, क्या है ग्लिसरॉल, नॉट ग्लिसरॉल, आपका फैटी एसिड, मैंने क्या आपको क्वेश्चन क्या था पूछा, इधर मैं भूल गया हूँ आपका क्वेश्चन, अश्वनी एक बार क्वेश्चन आप बोल दो, मैं आपको आंसर दे रहा है इसका, मैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बता दो, आप बताओ अश्वनी एक बार आपका देख लो प्लीज, क्वेश्चन बता दो, अगर आपका नेटवर्क आ रहा हो तो एक सेकंड लैपटॉप ले लूं जब तक। पुष्पा, ऑस्मो रेगुलेशन सही जवाब है, बहुत लेट आ रहा है आपका, हालांकि अश्विनी क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा जो भी है ठीक है। देखो हमारा जो फैटी एसिड है और आपका ग्लिसरॉल, अगर दोनों के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें क्या है, जो ग्लिसरॉल है ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये सिंपल क्या आपका फैसिलिटेट के द्वारा क्या करेगा, ये सीधे एंटर कर जाएगा, मैंने बताया था आपको। और आपका सवाल में थोड़ा एक्चुअल मैं भूल रहा हूँ कि आपने फैट बोला है ग्लिसरॉल बोला है, मैं इसमें क्या आंसर दूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा क्लियर हो गया क्या, चलो ठीक है, चलो फिर टाइम बच गया, बहुत बढ़िया, मुझे तो क्लियर हो रहा है, हो गया सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर टाइम बच गया, थैंक यू सो मच, अगर आपको क्लियर हो गया पढ़ने के बाद कोई दिक्कत नहीं। चलो यस, तो आज हम अपना मेन टॉपिक आज चालू करते हैं, कौन सा हमारा, डाइजेशन इन क्या आपका, कौन सा जीव था हमारा, ग्रास हॉपर है ना, यस। तो स्टूडेंट्स आज हम ऐसे प्राणी की बात करने वाले हैं जो कि हम मानवों से बहुत सताया गया है, ठीक है, आपने भी सताया है, मैंने भी सताया, आप कैसे सताया भाई, आप याद करो बचपन में आपको क्या मिलता था, टिड्डा, ग्रास हॉपर, कैसे सताया हुआ, उसको पकड़ लेते हैं, उसमें रस्सी बांध के काफी हमने क्या किया है, काफी उसके साथ खेला है बचपन में, होप आपने भी खेला होगा, काफी परेशान किया हो, यस। तो उसी परेशानी से काफी ज्यादा क्या परेशान होने के बाद ये जो ग्रास हॉपर है, आपको पता होगा कि अभी रिसेंट में क्या हुआ था, टिड्डों का क्या हुआ था, आतंक फैला था हमारा, बिल्कुल फैला था, और क्यों फैला था, क्योंकि हमने और आपने उसको काफी परेशान किया है बचपन पे, तो उसी परेशानी का बदला लेने के लिए ग्रास हॉपर ने हम सब पे अटैक किया था अभी रिसेंट,
किया था ना, तो ये आपके करंट्स का भी हिस्सा है, करंट का पार्ट है, है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जो ग्रास ऑफर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज देने वाला हूँ, क्योंकि आपके करंट्स भी इससे कवर हो जाए, ठीक है। यस, तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज ग्रास ऑफर, इसको हम क्या बोलते हैं, टिड्डा, क्या बोलेंगे, टिड्डा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यह जो टिड्डा है, अच्छा मैं क्या बता दूं, अगर आपने परेशान किया है, चलिए ठीक है, अच्छा चलो, अब जबकि मैं स्क्रीन देख रहा हूं तो मुझे एक चीज याद आ रहा है, अब मुझे यह बताओ, आपने अगर टिड्डे को परेशान किया कभी अपने बचपन में, तो आप मुझे बताओ कि टिड्डे में कितने पैर होते हैं, जल्दी से बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। दिमाग अपना क्या है, दिमाग की बत्ती जल चुकी है, ग्रास ऊपर पढ़ने वाले, लेकिन थोड़ा सा एक फन पार्ट, कितने पैर है बता दो बस, फिर आगे हम चलते हैं इसको, ठीक है। जब तक मैं इसका एक डायग्राम बना दूं अच्छा सा समझाने के लिए, जब तक आप आंसर दे दो, ठीक है, दे दोगे, दे दो जल्दी आंसर दे दो। किसने दिया है, 4-6, 4-6, यस, मैंने इसीलिए पूछा था कि आप लोगों ने परेशान नहीं किया है, जो जो सही जवाब देगा मतलब उन्होंने परेशान किया है ना। चलो देखें भाई किसने किसने परेशान किया, देखें जरा कौन है वो व्यक्ति जिसने कभी अपने जीवन काल में टिड्डे को परेशान किया है, देखें जरा, जब तक हम डायग्राम बना लें, है ना, बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा डाय हमारा क्या जो टिड्डा, वो काफी बड़ा सा टिड्डा बनने वाला है, और बड़ा सा इसलिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना है भाई, ये हमारा हो गया टिड्डा, चलो कुछ इस प्रकार से हमारे टिड्डा है, मैंने बना दिया है। अब सबने मे बी 4-6, 4-6, 4-6 सबके सब कंफ्यूज, मतलब किसी ने परेशान नहीं किया है, यस देयर इज ओनली वन गर्ल हु हैज जिसने परेशान किया है टिड्डे को, उसके 6 legs, एकदम सही जवाब, यस, एक टिड्डे के 6 पैर होते हैं। भैया जिन्होंने टिड्डा नहीं देखा है, 2-4 वाले कृपया करके एक बार देख लें, क्योंकि टिड्डे का आतंक हुआ था, चलो है ना, देख लेना टिड्डा। तो यस, तो टिड्डे के 6 पैर होते हैं, मैं पैर नहीं बनाने वाला हूं, बाकी इसका डिस्कस करने वाले हैं, यस। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको टिड्डा थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताने वाला हूँ अब ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि टिड्डे का आतंक अभी क्या हाल ही में टिड्डे का आतंक हुआ, और काफी हमला विश्व के काफी देश टिड्डे के क्या अटैक से परेशान थे, इसलिए मुझे ये लगता है कि आप ACF या फिर रेंजर का भी एग्जाम देने वाले हो, जो कि किससे संबंधित है, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको क्या वहां पे कुछ जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और चूंकि टिड्डा एक ऐसा क्या है जीव है जिसने हाल ही में अपना प्रेजेंस लोगों को दिखाया है, कि क्या दिखाया है कि आप भले हम एक टाइनी छोटा सा क्या समझोगे जीव, लेकिन हम जब संख्या में होते हैं तो हम तो पूरी दुनिया को हिला के रख सकते हैं, दिखाया है आपको, याद होगा। तो हम टिड्डे के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, यस। तो जो टिड्डा है, तो टिड्डा उसको हमने एक साइंटिफिक नेम दिया है, सबसे पहले आप उसको लिखिएगा, यस। अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि टिड्डे की जो प्रजाति है हमारे विश्व में, मैं भारत में नहीं कह रहा हूं, विश्व में टिड्डे की जो प्रजाति है मोर देन 11,000 टिड्डों की प्रजाति है। तो अगर आपको उसका साइंटिफिक नेम पूछे, और मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, क्योंकि 11,000 प्रकार के क्या इस टिड्डे की जो प्रजाति है, तो उसमें हर एक प्रजाति के जो टिड्डे हैं और सबका क्या नाम होगा, अलग अलग साइंटिफिक नेम होगा, समझ रहे हैं बात। फिर भी अगर आपको पूछे कि इंडियन टिड्डा या फिर इंडियन ग्रास हॉपर का क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका क्या है नाम, देख लो भाई, पिकिलोसिरस, क्या है, पिकिलोसिरस पिक्टस, ये याद कर लो। मैंने आपको ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि इंडियन ग्रास हॉपर, ठीक है, इंडियन, बहुत सारे ग्रास हॉपर है जो दूसरी दूसरी कंट्री में पाया जाएगा, और सब जगह इसके अलग अलग नाम है और अलग अलग साइंटिफिक नेम भी है। तो मैंने क्या बोला, 11,000 से ज्यादा है भैया, समझ रहे हो, 11,000, तो 11,000 से मतलब 11,000 साइंटिफिक नेम तो नहीं देगा, लेकिन आपको एक चीज, चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, भारत वंशी है, इसलिए हम क्या है, इंडियन ग्रास हॉपर की बात करें तो ये उसका क्या है, इस प्रकार से क्या है, ये यही है, समझ आ गया, ठीक। इसको नाम लिख लीजिएगा, पिकिलोसिरस पिक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन ग्रास हॉपर, समझ आ गया। अगर हम इसकी बात करें क्या फैमिली की, ठीक,
क्या बात करेंगे फैमिली का, तो इसका जो फैमिली है उसको हम क्या बोलेंगे, सीलीफेरा। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना भैया, सीलीफेरा ये आपको बिल्कुल पूछेगा, ठीक। या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या क्या है लोग क्या बोलेंगे उसको, लोकटस। क्या बोलेंगे, लोकटस नॉट लोकटस। हाँ चलो ठीक है, लोकटस याद करो, चेंज कर लेना आप जैसा भी, ठीक है, देखने के बाद। अब इसके बाद अगर बात करें क्या, अगर इसीलिए फैमिली का है और इसका जो क्या है, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं लोकटस भी बोलेंगे, और इसके अलावा हम इसकी बात करें तो ये कौन से फाइलम में आएगा, ये आपको बिल्कुल पूछ सकता है, ये कौन से संघ का जीव है, कौन से संघ का जंतु है, क्योंकि हम हमारा जो सेक्शन है कौन सा आपका बॉटनी वाला पार्ट या जीव में हम पढ़ेंगे क्या, बहुत सारे फाइलम्स आने वाले, संघ आने वाले हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा आएगा, पोरीफेरा आएगा, निमेटोड्स आएगा। तो वैसे अगर इसके संघ की बात करें, हमारा जो क्या या जो क्या है टिड्डा, ये कौन से संघ में आएगा, तो संघ कौन सा हो जाएगा इसका, ऑर्थोपोडा। और इंग्लिश में संघ को बोलेंगे क्या, फाइलम। क्या बोलेंगे, फाइलम, ठीक है। तो इसका क्या है, ये एक मोटा मोटी छोटी सी जानकारी जो हमको लगता है कि फॉरेस्ट एग्जाम के लिए ACF के लिए हमको जरूरी, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस। अब इसका जो क्लास है वो किस में आएगा, अब ये क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े। तो इसका जो क्या है, क्लास, क्लास एक दो तीन चार छः वाला क्लास नहीं, क्लास, ठीक। तो ये जो क्लास है इसको हम क्या बोलें, इंसेक्टा, क्योंकि ये इंसेक्ट्स की फैमिली में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मैं क्या आपको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से चीज़ें सुन के याद कर लीजिएगा। और वो ये है कि हमारा जो क्या ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर की कितनी सारी प्रजातियाँ हैं, मोर देन 11,000 प्रजाति है कहाँ पे, पूरे विश्व में। और लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, हमारे इंडियन ग्रास हॉपर की। तो इंडियन ग्रास हॉपर है उसका क्या है, पिकिलोसिरस पिक्टस, क्या इसका साइंटिफिक नेम है। अब यदि हम फैमिली की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली को सीलीफेरा, या फिर इसको क्या लोकस भी बोलेंगे, हाँ यस, लोकस नॉट लोकटस, लोकस, ठीक ठीक है। अब इसके बाद क्या, ये कौन सी फैमिली में आ जाएगा, फैमिली सीलीफेरा हो गया, और ये कौन से आपका फाइलम में है, दैट इज ऑर्थोपोडा, एंड कौन से क्लास में, तो ये आपका है इंसेक्ट या इंसेक्टा। समझ में आया, इतना याद कर लोगे, यस और नो, सबको यस हो गया, ठीक है। हाँ लोकस्ट, यस दीपिका ठाकुर, लोकस्ट, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ क्या, लोकस्ट, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो अब आगे क्या है, अब हम इसका लाइफ साइकिल भी थोड़ा देख लें कि लाइफ साइकिल में किसका होता क्या है। देखो आप जितनी भी कहीं भी पढ़ रहे होगे इसके बारे में, लोगों ने आपको बता देगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये अंग क्या है, कैसा है, बस इतना ही समझ में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ACF के दृष्टिकोण से आपको ये भी पढ़ना थोड़ा सा आवश्यक है, ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में है। तो आपको फॉरेस्ट है ना भैया, फॉरेस्ट में क्या देखोगे, कीड़े मकोड़े सांप जंगल जानवर ही तो देखोगे, है ना, तो उससे आपको ये चीज तो मालूम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर दूं, एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो इंडियन क्या है ग्रास ऊपर, फिर से बोल रहा हूं, उसका क्या है साइंटिफिक नेम होगा पिकिलोसेरस पिक्टस, कौन सी फैमिली का है आपका, सिलिफेरा या फिर लोकस, और आपका ऑर्थोपोडा फाइलम है या संघ है, या फिर उसकी जो फैमिली दैट इज इंसेक्टा। समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसका क्या लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल इसका कैसे होता है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी देख लो आप, बहुत आसान है एकदम, आप टेंशन मत लो, एकदम याद हो जाएगा तुरंत। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो तीन स्टेजेस में गुजरता है, तीन स्टेज। पहला कौन सा स्टेज, एग, मतलब कि जब वो एग होगा, ठीक है, क्या होगा, एग होगा, और दूसरा क्या है निम्फ, दूसरा आपका निम्फ, और तीसरा क्या है एडल्ट। देखो बहुत इजी नाम था, अब इसको छोड़ देते, आपको क्वेश्चन में आएगा कि कितने स्टेजेस होते हैं इसके लाइफ साइकिल के, तीन स्टेज होगा ना, पहला है एग, दूसरा दिन निम्फ, और तीसरा एडल्ट। और होता कुछ नहीं, बहुत आसान है, देखो एग, एग मतलब भैया जब जो फीमेल आपके टिड्डा है वो जो एक क्या करे, ले करेगी, या फिर वो वहाँ पे क्या अंडों का क्या उत्सर्जन करेगी, उत्सर्जन नहीं बोलना चाहिए, मतलब इट विल ले एग्स, है ना, तो वो क्या है इसके बारे में पढ़ना है। तो अब मैं आपको बता दूं, यह जो जो मादा टिड्डा होती है, ठीक है, जो मादा टिड्डा जब इसमें निषेचन की क्रिया होगी, तब वो जो एग देने का जो उसका जो सिलसिला है जब वो चालू होगा, तो 4 से 5 दिन के इंटरवल में लगातार वो अंडों का क्या करती है, वनडे देते रहेगी, हर 4 दिन 5 दिन के आड़ में, इंटरवल कहने मतलब गैप, ठीक। चलो और भी बाकी लोग जुड़ते जाओ फटाफट, 4 से 5 दिन के अंतराल में क्या करेगी, वो अंडों को देगी, और जैसे इसका लगता है कि सारे अंडे उसने दे दिए हैं, तो यह एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे घटने वाली है, और वो घटना यह होगा कि जो मादा टिड्डा है वो यहाँ पे डाई करेगी, मर जाती है, ठीक है। तो मतलब एक जो मादा टिड्डा उसका जीवन कब तक, जब तक कि वो क्या ना करे, जब तक कि वो अंडे ना दे, कितनी दुखद घटना है। देखो टिड्डे जो निकलेंगे बच्चे इनके, अपनी माता का क्या, पिता का तो देख लेंगे, माता का शक्ल वो देख ही नहीं पाएंगे, और नहीं बिचारी ये जो माता है वो, कितनी दुखद घटना है।
यस, तो 4 to 5 डेज इंटरवल क्या एक को लेकर आएगी, है ना, उसके बाद जब, हाँ, और एक चीज, तो ये जो अंडे देने के बाद जो अंडों का क्या है उसका मैच्यूरेशन है, वो मैच्यूरेशन कब तक चलेगा? 10 मंथ्स तक ये क्या करेंगे, जितने भी क्या कचरे वगैरह है, कौन सा कचरा, पेड़ पत्ती पौधे जो डंप किए होते हैं वो सब, उनके नीचे भी चारे इन्होंने अंडा दिया है और वो 10 महीनों तक वैसे ही पड़े होंगे, और इन 10 महीनों के बाद इनका क्या होगा, अंडों का क्या ओपन होंगे या फिर ब्रेक करेंगे, उसके बाद ये बाहर आएंगे। ठीक, तो अब हमको जानने वाली चीज ये है कि जो एग है, अगर एक मादा टिड्डा अगर अंडों का क्या कर रही है, वो अंडा कर दे रही है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी 4 से 5 दिन के इंटरवल में, वो क्या अपने अंडों का उत्सर्ग क्या जो बोलते हैं, समझ लो आप, ठीक है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा हिंदी में, तो वो अंडों क्या करेगी, वो देगी, और 10 महीनों तक आपको ये देखना है कि 10 महीनों तक वो अंडे क्या होंगे, ऐसे ही पड़े होंगे, और 10 महीनों बाद उसमें से क्या निकलेगा, एक शिशु टिड्डा निकलेगा। समझ में आया? यस। अब देखो, अब जो शिशु टिड्डा है, अब कोलेट करो, एक दे दिया, एग देने के बाद 10 महीने हो गए, और 10 महीने होने के बाद अब एक हमारा क्या स्टेज आएगा, दैट इज निम्फ, NYMPH, और ये जो निम्फ की जो क्या है स्टेज है, इसमें क्या होता है, पहली बार इस अंडे से वो टिड्डा क्या बाहर आएगा और बाहरी दुनिया को देखेगा और बोलेगा हे भगवान कि ये जो बाहरी दुनिया है कितनी क्रूअल है, कितनी निर्दयी है, बोलेगा ना, बिल्कुल है ना भाई, तभी तो। ठीक, तो निम्फ एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि क्या जो बच्चा, जो शिशु क्या था हमारा टिड्डा था, वो पहली बार बाहरी दुनिया में वो आएगा और देखेगा कि बाहर बहुत लाइट है, काफी चकाचौंध है, काफी लोग हैं, और ये इंसान है, पहली बार वो देखेगा, और यह जो स्टेज है वो कितने हफ्ते चलेगा, 5 से 6 वीक्स, कब तक चलेगा, 5 से 6 हफ्तों तक ये स्टेज होता है हमारा निम्फ का। तो आपको ये भी याद रखना है कि निम्फ स्टेज कितने हफ्तों के लिए है, 5 से 6 हफ्तों के लिए है। समझ गए, समझ आ रहा है? देखो, बाकी बहुत कम लोग अब वॉचिंग कर रहे हो, जल्दी से वॉचिंग बढ़ाओ यार, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट करो तो अच्छा लगेगा पढ़ाने में, बढ़ाते रहना है। ठीक, तो 5 से 6 हफ्तों तक हमारा जो निम्फ है, इसमें एक और चीज होता है, क्या उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंज ये होगा कि यह जो निम्फ है अभी सिर्फ वो टिड्डा है, लेकिन टिड्डे में आपको पता है टिड्डे में क्या होंगे, पंख भी होगा, पंख है उसका, तो इस वाले क्या स्टेज में उसके पास पंख नहीं होते हैं, कहां पर, इस निम्फ वाले किस पे स्टेज पे। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा? यस। अब निम्फ होने के बाद पहली बार उसने बाहरी दुनिया देखा, 5 से 6 हफ्ते उसने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया नेचर पे, उसके बाद वो एडल्ट होगा, व्यस्क होगा, और यह एक ऐसा स्टेज है जहां पर पहली बार इस निम्फ को, इस शिशु सॉरी पहली बार इस शिशु क्या टिड्डे को पर निकलेंगे, उसके पंख आएंगे और वो पहली बार उड़ान भरेगा, फ्लाई हाई, ठीक है, उड़ेगा, है ना। तो और एक और दुखद घटना होगा, क्या होने वाला है कि जब यह एडल्ट हुआ तब यहाँ पे इसके सारे क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इसके क्या डेवलप होंगे, यहाँ पे इसके पंख भी निकल गए हैं। अब सबसे दुखद घटना यह है कि यह जो एडल्ट हमारा क्या है टिड्डा है, इसका भी जो जीवन काल है एडल्ट होने के बाद मात्र 2 महीने का होगा। कितना होगा? मात्र 2 महीने का इसका क्या वयस्क जीवन होगा। ठीक, मतलब क्या 4 दिन में ही बेचारा क्या अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी बेचारा क्या होने वाला है, इस दुनिया से अलविदा कहने वाला है, वो भी कब, एडल्ट फेज के बाद, ओनली 2 मंथ्स, है ना। अब देखो, अब इस प्रकार से अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे टिड्डे का क्या है लाइफ स्पैन, मतलब इसका जो जीवन काल है वो कितने महीनों और कितने दिन का होगा, थोड़ा हिसाब लगा लो, आप हिसाब लगा के जल्दी से मुझे क्या इसका रिप्लाई दो, जल्दी हिसाब लगाओ कितने महीने का है, फिर मैं अब आगे चलूं मैं। ठीक, इस प्रकार से जब तक मैं डायग्राम पूरा कर लूं, अब इसका हिसाब दीजिए भी, है ना। जल्दी से दे दो आप फटाफट। सर बायो की पूरी क्लास होगी, हाँ वसीम पूरी क्लास होने वाली है, बायोलॉजी की पूरी क्लास होगी, मैं जितना भी जो सिलेबस है सारा कंप्लीट करा दूंगा अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही मेरे साथ बने रहोगे, अपना पार्टिसिपेशन दोगे तब। ठीक है, दीपिका 14, यस ठीक है ठीक है, सब सही जा रहे हो।
सही बना था ये। चलो यस टाइमिंग वसीम, मेरा जो टाइमिंग है वो क्या है, अभी फिलहाल 7:30 बजे इवनिंग का टाइम है, बट आज मैं थोड़े लेट से क्लास लिया 9 बजे, ठीक है, क्योंकि मेरे ड्यूटी आवर्स आ गए थे वहाँ पे। लेकिन जो मेरा रेगुलर क्लास वो 2:30 बजे चल रहा था। और देखते हैं मैं आपको जो टाइमिंग है हमारे क्या फेसबुक या फिर टेलीग्राम में आपको टाइमिंग की जानकारी बराबर मिलेगी, तो आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम में भी जुड़िए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। और हमारा जो इस चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके जो बेल बटन है उसको भी दबा दो, सो दैट आपका क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। समझ में आ गया? ठीक, ओके, थैंक यू। अब देखो आपने बहुत सही हिसाब लगाया है, इसका जो क्या है लाइफ स्पैन होगा, वो लाइफ स्पैन कितने महीने का होता है, 12 से 14 महीने का। मतलब कि ऑलमोस्ट अगर मोटा मोटी ले ले तो 1 ईयर क्या बेचारे की जीवन होती है। 1 साल जीवन जीने के बाद अपने जीवन की सारी जो भी इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद वो क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद डाई हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। चलो तो अब हम अपना क्या है बेसिक्स हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग यहाँ मेन चीज पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हम, इस टिड्डे के बारे में, जिसने हाल ही में काफी क्या पहुंचाया था पूरे विश्व में आतंक। और चलो आतंक से ज्यादा एक क्वेश्चन का जवाब मुझे और दे दो ताकि मैं आगे किसी को कंप्लीट कर पाऊं। अब मुझे एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर जो टिड्डे अगर उन्होंने आक्रमण किया है तो उसको लोगों ने पकड़ा है और उसको बेचा है गवर्नमेंट को, इसका आंसर बता दो कौन सा देश है। और आपको हिंट दे दे रहे हमारा कोई एक पड़ोसी देश है, ठीक है, सरकार ने उसको हाथों हाथ खरीदा है कि आप इतना इतना किलो दीजिए तो हम आपको इतना रुपए उसमें देंगे। तो लोगों ने वहां पे टिड्डों को पकड़ पकड़ के उसको क्या है बेचा है सरकार को। ये आंसर दे दो आप इसका फटाफट, है ना, दे रहे हो क्या आंसर, जल्दी दो। चलो ठीक है, तो जैसा कि हम अभी तक क्या हमने क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा या फिर हमने क्या पढ़ा था अमीबा पढ़ा था, तो दोनों को पढ़ने के लिए हमने कुछ क्या बनाया था, एक पढ़ने की रूपरेखा बनाया था कि हमको चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। तो यस सिमिलरली हमको ये जो टिड्डा है इसके बारे में एकदम सिस्टमेटिक हमको पढ़ना है। और सिस्टमेटिक हमको क्या पढ़ना है वो देख लो आप, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। मतलब कि अगर हम टिड्डे की बात करें, टिड्डे में डाइजेशन होगा तो डाइजेशन करने के लिए एक क्या जितने भी ऑर्गन्स उनका एक सिस्टम बनेगा। तो जब तक हम उस सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो हम कैसे यह जानेंगे कि डाइजेशन होगा कैसे, समझ में आया। इसलिए हमको यह जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसको पढ़ना क्या है सबसे पहले जरूरी है। ठीक, तो पहला हम पढ़ेंगे क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसा कि पढ़ते आए हैं हमारी जो पिछली क्लासेस हैं, है ना। और दूसरी चीज इसके बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, उसमें क्या है एक हमारा क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, याद आ रहा है आप लोग को। मैंने आपको यह बोला था कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो अगर आप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़ भी लोगे, अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अधूरा है। यस, तो जब इंसान का अधूरा है तो ये भी तो क्या है जीवित जंतु है ना, तो इसका भी क्या हमको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ना पड़ेगा। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बाद हम अंतिम में डील करेंगे किसका, कि इसके जो काम है वो कैसे होगा, मतलब डाइजेशन कैसे होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये 3 पॉइंट है जिसपे हम आज इसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में ये क्लास हो जाए ताकि आपका ज्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी समय हो गया है ना, लेट से क्लास आया मैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज आवर क्या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या फिर एक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन हमारे शरीर का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफी जटिल प्रोसेस है, और उसी जटिल प्रोसेस को करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे डेडिकेटेड क्या होंगे अंग होते हैं, और यह जो डेडिकेटेड अंग है उन वो सब आपस में मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और वो जो सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र। सेम वही चीज इसमें भी होने वाला है, तो इसके क्या क्या पार्ट है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से हमारे टिड्डा लोग, हम टिड्डे का थोड़ा आंख ही बना देते हैं, थोड़े से क्या थोड़ा अच्छा दिखे, टिड्डे टाइप का दिखेगा, दिख रहा है अब। यस, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये क्या आपको बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज माउथ, क्योंकि माउथ हर एक लिविंग चीजों में क्या है एक माउथ होगा जिससे कि वो चीजों क्या इंजेस्ट करेंगे, चीजों को वो खाएंगे, है ना। अब इसके अलावा मैंने कुछ इस प्रकार से और भी संरचना बनाया, आप देखते जाइएगा इसको, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसमें भी फेरिंग्स होगा, किसमें हमारे टिड्डे में भी फेरिंग्स है। उसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे फेरिंग्स के पीछे वाला, उसको भी ये क्या है पैरा फेरिंग्स। ठीक,
और उसके बाद ये तो आंख है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंख का कोई काम पे नहीं है, मैंने ऐसी बना दिया है। ठीक, अब इसके बाद ये जो पतली सकरी नली है, इसको हमने क्या बोला फिर से, इसोफेगस। ये अब डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, अगर डायग्राम आपसे बन गया, डायग्राम बना लोगे और ये डाइजेस्टिव क्या ऑर्गन्स देख लोगे, तो आपको सारी चीजें आसानी से क्या याद हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से क्या है, यह हमारा क्या है, एक सेलिवरी डक्ट है ये। ठीक, और ये हमारा जो इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने इस प्रकार से बनाया क्रॉस पर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक, अब उसके बाद वाला जो ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप, क्या बोलेंगे, क्रॉप। और उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है, ये देखो छोटा सा एलिमेंट बनाया हुआ है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम गिजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नाम मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने आपको क्या अमीबा में बताया था हर एक ऑर्गन्स के काम, मैं हर एक ऑर्गन्स के आपको यहाँ पे काम बताऊंगा कि ये जो फलाना फलाना के ऑर्गन्स हैं उसका क्या क्या काम है आपको ये बताने वाला हूं। तो टेंशन मत लो, नाम मुझे पता है थोड़े कठिन है क्योंकि थोड़े इंग्लिश में, और आप लोगों ने काफी हिंदी भी पढ़ा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए मैं चीजों को बार बार रिपीट करके यहीं पे याद कराने का कोशिश करूंगा। ठीक, तो पीछे से फिर से रिपीट करें, क्या है, फेरिंग्स, फिर आपका माउथ, फिर सेलिवरी क्या है, ग्लैंड्स और सेलिवरी डक्ट, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप, उसके बाद हमने एक चीज देख लिया क्या, दैट इज गिजर्ड, हो गया। अब उसके अलावा देखो कुछ इस प्रकार से कुछ संरचना दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक, एक सेकंड, ये वाला ना, ये जो फिंगर लगा प्रोजेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सीकी, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक सीकी, CAE सीकी, ठीक है, गैस्ट्रिक सीकी, या फिर इसको हम बोलते हैं हिपैटिक, क्या बोलेंगे, हिपैटिक। तो इस प्रकार से हमारे किस, हाँ एक और चीज मैं बताऊंगा, जैसे संरचना आगे पढ़ेंगे, आगे जब डील करेंगे तो कैसे कैसे डिवाइडेशन है वही बताने वाला हूँ, कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे आएंगे ये भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमारा हो गया माउथ, हो गया सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी डक्ट, एंड वन इज क्रॉप, एंड वन इज गिजर्ड, एंड वन इज हेप्टिक और गैस्ट्रिक, क्या है आपका, सीकी। ठीक है, अब उसके अलावा जो ये वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेंट्रिकुलस। ठीक, वेंट्रिकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर एक संरचना कुछ इस प्रकार से पाई जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेल्फीजियन ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको, मेल्फीजियन ट्यूब। ये डायग्राम मैं अभी मिटाऊंगा, इसे ध्यान से देखते रहिएगा, बाकी चीज हम इसको क्या आगे कवर करेंगे तो क्या कैसे होगा दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये हो गया तो यहाँ पर एक क्या पाया जाएगा, वॉल्व पाया जाएगा, वॉल्व भी बता दो, ये एक वॉल्व है। ठीक है, नाम बताने वालों काम भी बताऊंगा इसका। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, इलियम, जैसा मनुष्यों में होता है सेम यहाँ भी है, ये आपका क्या है, कोलोन, और यहाँ पे ये क्या है आपका, एनस। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा जो क्या है, एक टिड्डे का क्या है, पाचन तंत्र है। और एक और चीज बता दूं, यस तो ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे होगे इस प्रकार का, या जो मेम्ब्रेन है इसका मैं नाम लिख दूं, इसको हम बोलते हैं पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। सबको दिख रहा है ये, एक बार मुझे बताओ कि सारा चीज क्लियर दिख रहा है क्या, थोड़ा कैमरा से टिल्ट कर दो, मुझे लग रहा नहीं दिख रहा, ये दिख रहा पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें, यस और नो, इज इट पैक, पैक मींस अश्वनी, मैं समझ नहीं पाया, इज इट PAK दैट मींस, अच्छा पाकिस्तान, ओके, अच्छा आपने आंसर दिया है, यस सर वी आर गोइंग, ठीक है एकदम, जिन्होंने आंसर दिया मैं भूल गया था, सुनील, दीप्ति, वसीम, नॉट वसीम आपका दो, अश्वनी, सुनील और दीप्ति ने बहुत सही जवाब दिया है, या जो पाकिस्तान है हमारे एक नेबरिंग कंट्री है, जिन्होंने क्या किया था, वहां के जो रहवासी निवासी उन्होंने इस टिड्डे को पकड़ पकड़ के सरकार को बेचा था, और पता नहीं किस रेट में बेचा है, बट सरकार ने उसको खरीदा भी जरूर है ना, इट वॉज अ फनी पार्ट ऑफ आर टिड्डा। ठीक है, ये चीजें आपको ऐसे मजाक मजाक में याद हो जाए, क्या पता भैया PSC व्यापम ऐसा है कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल देता है, वो ये नहीं देख रहा कितना सीरियस क्वेश्चन है या फिर कितना डीप सवाल है, वो कठिन से कठिन सवाल भी देगा और ऐसे भी सवाल देगा जो कि आपका, जैसे आप उस सवाल को सुनकर आपकी हंसी भी निकल जाए, है ना, तो हमको दोनों तरह से तैयार रहना, इस प्रकार से कवर होते जा रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक टिड्डे का संरचना है, और मेरे सारे स्टूडेंट्स जो कि क्या बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, और रिपीट ऐसा करूंगा कि यह हमारा टिड्डा है तो हम इसका क्या पढ़ रहे हैं अभी, डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन है, तो सबसे पहले माउथ है, फेरिंग्स, और आपके इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, जिसको नहीं भी याद करोगे तो नाम बढ़ाने कोई मतलब नहीं, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो जरूरी है वो क्या हमारा इसोफेगस है,
इसोफेगस इंसान में भी हमने पढ़ा था ह्यूमंस में, उसके अलावा यह जो इसोफेगस आगे जाके क्या क्रॉप एक छोटी सी, इसको हम क्या बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलर भी बोलेंगे, उसके बाद एक संरचना मिले इसे हम गिजर्ड बोलेंगे, उसके बाद क्या है एक क्या स्पिंक्चर पाया जाएगा, क्या पाया जा स्पिंक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं स्मोगोडियल, कुछ इस प्रकार से स्पिंक्टर है या वॉल्व है ठीक। और उसके अलावा एक आपका पाया जाएगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंक्टर या वॉल्व ठीक ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हमारा क्रॉप हो गया, क्रॉप के बाद आपका क्या गिजर्ड हो गया, गिजर्ड के बाद क्या हो गया हमारा आपका स्टोमोडियल, ऐसा होगा स्टोमोडियल आपका क्या आपका वॉल्व, उसके बाद ये जो फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन है जिसको हमने क्या बोला था गैस्ट्रिक सीकी, और गैस्ट्रिक सीकी के बाद हमारे क्या वेंट्रिकुलस चालू होगा, और वेंट्रिकुलस के बाद हमारे क्या है वॉल्व आ रहा है, इसको हमने क्या बोला फिर से पाइलोरिक वॉल्व बोला, फिर पाइलोरिक वॉल्व का इस प्रकार की संरचना है देखो मुड़ी हुई मैंने बनाया, इसको हमने क्या बोला मेल्पीजियन ट्यूब, और ये जो मेल्पीजियन ट्यूब है यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी इसका ऑर्गन है, तो इसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब उसका बात करेंगे इस मेल्पीजियन ट्यूब का ठीक है। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से कॉइल एक संरचना है जिसको हमने क्या इलियम कोलन और एनस बोला ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो अब हम इसकी बात क्या हमने संरचना पूरा पढ़ लिया, कुछ इस प्रकार से अब थोड़ा सा इसको डील कर लेते हैं, क्या डील करना है हमको, अब हम इसकी देखो अब हमने क्या सेल्यूरी ग्लैंड बाद में आएगा, पूरी संरचना के क्या क्या काम है हम ये देखेंगे, नहीं नहीं अभी नहीं देखते, अभी एक ग्लैंड देख लेते हैं हमारा क्या एक सेल्यूरी ग्लैंड, दूसरा क्या था सेल्यूरी ग्लैंड था। तो मैं इसको आपको बता दूं यहाँ पे सवाल पूछेगा कि अगर एक टिड्डे की बात करें तो टिड्डे में कितनी सेल्यूरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जल्दी से आंसर दे दो इसका कितना सेल्यूरी ग्लैंड्स जल्दी बता दो, चलो अब आंसर दो जरा, आप देखें कितने लोगों का सही होता है जितने भी लोग वॉचिंग कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। सर दो मंथ कौन सा टिड्डा का लाइफ होगा सर मेल या फीमेल, किशन में मेल और फीमेल का मेरे को आइडिया नहीं है बट यस इन जनरल दो महीने मतलब एडल्ट के बाद 2 महीने कह रहा हूँ ऐसा नहीं है ठीक है, एडल्ट के बाद 2 महीने का लाइफ साइकिल है, तो टोटल अगर हम देखें स्पैन तो क्या 1 साल का आएगा 14 महीने का, बट मेल और फीमेल मुझे भी आइडिया नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर आ भी होगा तो देख लीजिएगा मैं आपको कल बता दूंगा ठीक है। चलो भाई कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, चलो छोड़ो ये मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या, स्टॉप हो गया क्या यार, ठीक है चलो ठीक। अब हम लोग अगर किसी बात करें संरचना, तो यह जो हमारा क्या है टिड्डा है इसको हम संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम अध्ययन की दृष्टि हम इसको पढ़ेंगे तो कितने प्रकार से हम पढ़ेंगे इसको, 3 तरह से पढ़ेंगे, और 3 तरह से कैसा हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, कौन कौन सा आपका फोरगट मिडगट और हिंडगट, क्या क्या बोला हमने यहां से लेकर ये आपका क्या आ जाएगा यहां तक, ये वाला एरिया ना ये देख लो ऐसा सेक्शन काट रहा हूं मैं ठीक, ये हमारा क्या हो गया फोरगट फोरगट एंड दैट इज मिडगट, और मिडगट भी यहां तक होगा इस मेल्पीजियन ट्यूब जो वॉल्व है यहां तक ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये लाइन, और उसके बाद इधर बचा इसको हमने क्या बोला था हिंडगट ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम अगर एक टिड्डे को क्या है संरचनात्मक दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से हम अगर इसको पढ़ना चाहें तो निम्नलिखित 3 सेक्शंस में इसको हम बांट सकते हैं, पहला क्या है फोरगट जो कि इसको सामने का सिरा है जो कि मुंह से लेकर कहाँ तक आएगा इस गिजर्ड तक आएगा, आपको ऐसा बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ तक आएगा, बस आपको समझना है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ तक आ रही हैं ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या जो बीच वाला जो सेक्शन उसको हमने क्या बोला मिड मतलब होता है बीच, ऐसा याद कर लो मिडगट, और उसके बाद जो सबसे बाद वाला जो हिस्सा है दैट इज आपका हाइंडगट ठीक। तो हमारा जो पहला चीज पढ़ लेते हैं क्या फोरगट, अगर फोरगट की हम बात करें तो जैसे हमने ह्यूमंस में पढ़ा था क्या कि वहां पे क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ था, तो हमारे पास 3 स्तर थे वहां पे क्या कौन कौन सा एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म, और इन्हीं जो 3 लेयर है कौन सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का दो, हाँ एकदम सही नारायण 2 ही होते हैं डक्ट वहां पे, इसके पास भी 2 डक्ट है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मनुष्यों का हुआ था तो कौन कौन से लेयर से किसका निर्माण हुआ था हमने डिस्कस किया था, सेम वैसा ही अगर हम बात करें किसका इस टिड्डे का, तो टिड्डे का भी क्या है इस प्रकार से उसका 3 लेयर होगा जिससे कि इसके सारे क्या है बॉडी का निर्माण होता है
ठीक है, तो इसका कौन कौन सा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इसमें भी तीन प्रकार से होंगे। तो अगर हम बात करें फोरगट की, तो फोरगट की जो ओरिजिन है, तो इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब वो 10 महीने की स्पेस एग में था तो उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो वो कौन सी लेयर से होगा, तो यदि हम बात करें इस फोरगट का तो वो कौन सी लेयर से होगा, वो हमारा क्या होगा, एक्टोडर्मल, उसका क्या ओरिजिन है। मैं इसको मिटा दूं क्या, कई बहुत सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी, यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको देखते रहिएगा, ठीक है, या अपने माइंड में बना के रखिए। कहाँ तक दिख रही है, ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ, काम करते हैं, मैं सिर्फ इस वाले को इससे नीचे मिटा रहा हूँ, बाकी हम चीज़ें नीचे चीज़ों को हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, या इसका जो इसका जो निर्माण है वो किसे हुआ था, एक्टोडर्मल सेल से हुआ था, और इसका जो कहाँ पर है, ये यहाँ तक आएगा हमारा इस क्रॉप तक। अब जब इसके अंदर की संरचनाएं जब देखें तो हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसोफेगस, तो इसोफेगस में आपको बताने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसोफेगस एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि अगर हम माउथ से क्या किसी भोजन को हमने क्या है ग्रहण किया है, तो इस ट्यूब से होता हुआ वो कहाँ पे आएगा, हमारे इस क्रॉप में आएगा, ठीक, बहुत आसान है। और एक चीज, अगर जब ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मोमेंट पाया जाएगा, तो यस यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट पाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या पाया जाएगा आपका, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, सो देट हम जो भोजन ले रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, एट द सेम टाइम मैंने यहाँ क्या बोला, सेलिवरी ग्लैंड है, जिसकी संख्या कितनी है, दो, तो सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पे दो है, ये वाला सेलिवरी ग्लैंड है ना, ध्यान देंगे, ये उसका डक्ट है, ये वाला, जैसे कि डक्टिंग हमारे इंसानों में भी था, सेम वैसा ही डक्ट इससे भी है, और डक्ट से क्या है, भोजन के साथ मिक्स होता है, एट द सेम टाइम यह भोजन क्या सॉलो करेगा, और उसके बाद इस इसोफेगस से होता हुआ भोजन कहाँ पे पहुँचेगा, टिड्डे के क्रॉप में पहुँचेगा, क्रॉप में पहुँचेगा, कहाँ, क्रॉप में, ठीक। तब हमारी जो दूसरी संरचना है वो कौन सा है, क्रॉप। अब अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप क्या है, तो क्रॉप यहाँ पर एक क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मनुष्यों में हम बात करें, इसको आप कंपेयर करके देखते जाइए किसके साथ, अगर मैं बोलते जाऊँ कंपेयर करिएगा, अब इसको आप किसके साथ कंपेयर करिए, कंपेयर करिए ह्यूमंस के स्टमक के साथ, तो स्टमक क्या था, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि क्या था, एक स्टोरेज बैग था ना, यस, तो हमारा जो क्रॉप है ये क्या है, यहाँ पे एक स्टोरेज बैग है, जो कि यहाँ पे भोजन को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक, स्टोर करेगा ना भाई, क्यों नहीं करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्या नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला, क्या इसको हमने क्या बोला, गिजर्ड, गिजर्ड बोला, तो यह जो गिजर्ड है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम किसी टिड्डे की बात करें तो इसके पूरे टिड्डे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है ये, क्या कहते हैं, गिजर्ड, क्यों, क्योंकि यह जो गिजर्ड है, अगर हम इसकी संरचना को अंदर देखें कुछ इस प्रकार से, मान लो ये आपका गिजर्ड है, तो इसकी संरचना को इस प्रकार से क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक, इसको फिंगर लाइक ना बोल के क्या करिए, इसको टीथ लाइक स्ट्रक्चर बोलिए, प्रोजेक्शन, तो ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या करेगा, अभी तक भोजन को इसने यहाँ पे चबाया नहीं है भाई, भोजन यहाँ पे इसोफेगस से होता हुआ क्रॉप पे आया, जो कि स्टोर किया, और स्टोर कैसे किया, कि वो धीरे धीरे यहाँ पे, मैंने क्या बोला था, स्टमक पढ़ा था ह्यूमंस पे, कि भोजन एक मुश्त वहां पे नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाता है, मैंने आपको यही बोला था, यस, तो जो क्रॉप है, सॉरी, क्रॉप से भोजन धीरे धीरे यहाँ पे आएगा हमारे कहाँ, गिजर्ड पे, हमारे ने इस टिड्डे के, और टिड्डे में क्या इस टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण यहाँ पे जो भोजन के जो बड़े बड़े कण है वो इसी टीथ लाइक स्ट्रक्चर में फंस के क्या होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एकदम कॉमन सेंस, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होंगे, ये टूट जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो, फिर आगे बढ़ेंगे, या फिर चीज़ें रिपीट करूँ, जल्दी बताओ, अब लोग रिप्लाईज में जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है क्या, इंटरेस्ट, चलो काफ़ी लोग तो ऑनलाइन हो इस पे, जल्दी बताओ, यस सर, चलो समझ में आ रहा है, बढ़िया, और कोई, ठीक है, चलो, अब जो नेक्स्ट चीज़ अभी कि मैंने क्या बोला, इतनी सारी चीज़ें हो गई, क्या इसोफेगस हो गया, क्रॉप हो गया, गिजर्ड हो गया, अब मैंने यहाँ पे क्या, मैंने वॉल्व बताया, कौन सा, स्टोमोडियल वॉल्व, तो अब याद करो आप हमारे क्या ह्यूमन स्टमक, तो ह्यूमन स्टमक में हमने एक क्या वॉल्व पढ़ा था, वॉल्व का क्या नाम था, वहाँ पे कार्डियक स्फिंक्चर या फिर कार्डियक वॉल्व पढ़ा था, तो यस, तो यहाँ पे वो कार्डियक वॉल्व या फिर कार्डियक स्फिंक्चर तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ह्यूमन्स में एक वॉल्व था, सिमिलरली यहाँ पर भी एक वॉल्व पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक वॉल्व पाया जाएगा, और जिसको कि हमने क्या बोला, स्टोमोडियल वॉल्व,
तो यह जो स्टोमोडियल वॉल्व है, अब आपको यह बताना है, अगर आपने ह्यूमन डाइजेशन अगर आपने पढ़ा है तो वॉल्व के क्या काम थे, मुझे आप जल्दी से बताओ कि स्टोमोडियल वॉल्व किसका, स्टोमोडियल वॉल्व का काम क्या है। मैं आप लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि इसका उत्तर आप बिना सोचे समझे सिर्फ आंख बंद कर ऐसे लिखोगे, इसका आंसर मेरे को मिल जाएगा, और आपका आंसर जब मुझे मिलेगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो आपको मेरे को खुश करना है और इसका आंसर जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताना है एक चुटकी भर, ठीक। जल्दी से दो इसका आंसर, मैं देखूँ आप लोगों ने कितना इसका पढ़ा हुआ है, ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, आपका आंसर यहाँ पे मुझे मिलेगा तो पता चल जाएगा। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गैस्ट्रिक रिवर्स फ्लो को रोकना, किशन पटेल, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलस को क्रॉप में वापस जाने से रोकना, यस, एकदम सही। बट यहाँ बोलस मत बोलिएगा, क्योंकि बोलस हमारे क्या ह्यूमंस वाला जो पार्ट था वो था अश्वनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा कोई नाम नहीं है कि इस भोजन को इसने क्या बोला है ना। जनरली बोलस बोला जाता है, जितने भी रोमिनेंट्स जो है उनमें भी बोलस बोला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, ठीक, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, जो भोजन अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर भोजन आया तो उसका क्या है? वो रीगर्जिटेशन या उसका रिफ्लक्स को या फिर उसका बैक फ्लो को हमारा कौन सा रोकेगा, क्या, स्टोमोडियल वॉल्व वहां पे रोकेगा, ठीक। अब उसके बाद देख लो वहां पे संरचना को ये मिल रहा है जिसको हमने क्या बोला, जिसको गैस्ट्रिक सीकी या फिर हिपैटिक सीकी, ये मैंने बोला। तो अब हम क्या इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन में आ जाओ ह्यूमंस को, तो वहां जहां भी इस प्रकार के प्रोजेक्शन थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये भी दिख रहा फिंगर लाइक, तो वो क्या करता था, वो वहां पे सरफेस एरिया को बढ़ाता था, किसका, एक्टिवेशन का बढ़ाता था, या से भी बढ़ाएगा, तो क्या करेगा, फिर सरफेस एरिया बढ़ाता है, मोरेवर वो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करेगा, और आगे वाला जो पार्ट है जो है हमारा क्या, एंजाइम, जब हम इसका डाइजेशन पढ़ेंगे प्रोसेस, तब वहां पे मैं इसको डाइजेशन आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हमारा क्या है, वेंट्रिकुलस, और वेंट्रिकुलस हमारा क्या है, हमारा पार्ट है किसका, मिड गट का पार्ट है, और जो मिड गट है, तो मिड गट अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो हमारा क्या है, वो ओरिजिन अगर हम इसकी बात करें तो एंडोडर्मल ओरिजिन होगा, मतलब कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ क्या, टिड्डा या ग्रास हॉपर, तो उसका जब एंडोडर्मल जो लेयर है वहां से इसका मिड गट का निर्माण होगा, और आपको यहीं पर ही बता दो आपका हाइंड गट है उसका भी निर्माण कहाँ से होगा, एंडोडर्मल लेयर। मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन चीज़ों को याद करना है बार बार बोल बोल कर, और आप लोगों सब मन ही मन उसको करते जाइए, याद होते जाएगा, मैं बाद में और इसको रिपीट कराऊंगा, टेंशन मत लो, मेरे साथ क्लास कर रहे हो तो बिल्कुल चिंता मत करो, सारा चीज़ हो जाएगा। समझ में आया, ठीक, समझ में आ रहा है ना, समझ में क्यों नहीं आएगा यार, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक मेम्ब्रेन बताया था कि मेम्ब्रेन पाया जाएगा इस प्रकार से, इसको हम बोलेंगे क्या, पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, क्या बोल रहे हैं, पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, और पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन क्या, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसका भी यहाँ पे कुछ काम है, और काम क्या है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, जहाँ भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा दैट मीन्स वो कुछ स्पेसिफिक, कुछ सर्टेन जो हमारे क्या बॉडी के लिए क्या लाभदायक है उन चीज़ों को क्या करेगा, या तो अंदर लेगा या फिर बाहर करने काम करता है, आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर याद आ रहा होगा, यस वही चीज़ है। और यह जो वेंट्रिकुलस है जो कि हमारा क्या मिड गट का पार्ट है, यह जो वेंट्रिकुलस है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना भी यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे, इस वेंट्रिकुलस पे। अगर आपको यह सवाल पूछे कि भाई साहब ये बताइए कि डाइजेशन कहाँ पे होगा किसी भी टिड्डे में, हमारे इंडियन ग्रास ऑपर में डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होगी, क्या वो फोरगट में होगा, क्या वो मिडगट में होगा, या फिर वो आपका हाइंडगट पे होगा, तब उत्तर लगाओगे क्या, मिडगट। अगर आपको सवाल पूछे कि हमारा क्या, नॉट हमारा, जो टिड्डा है इंडियन टिड्डा, उसमें जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, क्या वो क्रॉप पे होगा, क्या वो गिजर्ट पे होगा, या फिर वेंट्रिकुलस में होगा, या फिर हमारा क्या इलियम में होगा। अगर यहाँ पे मनुष्य की बात होती है ऑब्वियसली बात, हम बोलते क्या इलियम में होगा, इलियम में होता हमारा मैक्सिमम पार्ट याद है, लेकिन यहाँ टिड्डे में यहीं पे कहानी में ट्विस्ट है भाई कि वो हमारे कहाँ पे होगा, वेंट्रिकुलस में, ठीक, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आपको आंसर लेना है, वेंट्रिकुलस, समझ में आ गया। अब जब वेंट्रिकुलस में डाइजेशन हो गया तो हमारा अगला पार्ट है यह जो वॉल्व है, यह कौन सा वॉल्व है जिसको मैंने बोला आपको पाइलोरिक वॉल्व, और यह जो पाइलोरिक वॉल्व है यह जो वॉल्व क्या करेगा, फिर से वही चीज, क्या चीज, आगे क्या, ठीक, यस वी आर बैक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फिर से कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीज होती है ना, सेन्योरिटा,
होता है ना। चलो आगे फिर से बोल रहा हूँ, अगर वेंट्रिकुलस में क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो एक नया चीज ये है कि इस वेंट्रिकुलस में यहाँ पर डाइजेशन के साथ साथ क्या होगा, क्या होगा उसका अपटेक, उसका क्या एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, सेम ऑप्शन, तो उत्तर भी आपका सेम होगा, क्या आपका वेंट्रिकुलस ना कि इलियम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां पर की अवशोषण की क्रिया कहाँ पे होगी, हमारे मैक्सिमम पार्ट हमारे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम वाले पार्ट पे होता है, और एट द सेम टाइम हमारे इलियम में क्या होता है वहां पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा वहां, लेकिन हमारे इस टिड्डे पे, हमारे इस इंडियन टिड्डे पे कहाँ पे होगा, दैट इज वेंट्रिकुलस। ये चीज आपको जानना चाहिए था, ठीक है, समझ में आया, आ रहा है। चलो अब इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या ये हमारा मिडगट है, तो मिडगट में मैंने क्या बोला, एक मेम्ब्रेन यहाँ पे बताया था, तो मेम्ब्रेन के अलावा एक और संरचना पाई जाती है, इसको हमने क्या बोला था, फिल्टर चेम्बर। लेकिन आपको ये बता दूं, जो फिल्टर चेम्बर है, चूंकि ये टिड्डा है, ये क्या है, फीड क्या करेगा, सॉलिड चीजें फीड करता है, लेकिन अगर जो ऐसे ऑर्थोपोडास के ऐसे कुछ जीव जो कि अगर फीड क्या करेंगे, लिक्विड डाइट, जब लिक्विड डाइट करें, तो वहां पे फिल्टर चेम्बर करके एक अलग से संरचना पाई जाती है। आपको ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सवाल पूछे कि अगर ऑर्थोपोडा में हम बात करें इसकी टिड्डे की, तो इसी ऑर्थोपोडा में इसका कौन सी फैमिली है, कौन सा सेलिफेरा, तो इस फैमिली में जो अन्य जो जीव है जो कि डाइट में लिक्विड को क्या है, एज अ डाइट ग्रहण करते हैं, तो उसमें एक संरचना अलग पाई जाती है। अगर ऐसा बोला जाए तो आपको आंसर क्या लगाना, आपका फिल्टर चेम्बर। और फिल्टर चेम्बर उसमें क्यों पाया जाता है, क्योंकि जब भोजन यहाँ पे आएगा इस जगह, फिल्टर चेम्बर अलग से पाया जाता है, उसका अलग से संरचना है। जब भोजन यहाँ पे गिजर्ड से आया पीस कर, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सारे क्या गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, तो यह जो गैस्ट्रिक जूस, चूंकि यह एक लिक्विड डाइट को ग्रहण कर रहा है ना, तो यहाँ पे वो जो इस जूस के साथ वो जो लिक्विड है, वो यहाँ पे क्या उसको डाइल्यूट ना कर दे इस जूस को, इस कारण से भी। और जो यहाँ पे दूसरे, और वो जो ऑर्गन है कौन सा आपका, जो फिल्टर है, फिल्टर मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, एक यहाँ पे एक्सपल्शन का भी काम करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट इस मिड गट को क्या करता है, बाईपास करके डायरेक्ट वो हाइंड गट में ले जाकर उसको एक्सक्रीट करता है। ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर मान लो कभी सवाल पूछ दे, क्या पता भाई हमको, क्या पता परीक्षा क्या पूछ दे, और चूंकि ये फॉरेस्ट का एग्जाम है, और ये फॉरेस्ट के लिए बहुत ही क्या है, बढ़िया एक जीव है जो कि फॉरेस्ट में पाया जाएगा, इस कारण से इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा अगर नॉलेज हमको है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे सारे ऑर्गन क्या हो गया, डील हो गया हमारा। फिर इसके बाद क्या, लास्ट में आपका हाइंड गट बचता है या हिंड गट, तो वहां पे क्या है, पाइलोरिक वॉल, आपको पता है ये फिर से क्या रिवर्स फ्लो को रोकेगा, अगर यहाँ से भोजन एक तरह से इधर आया तो। और उसके बाद इलियम, कोलोनर, एनस, इसके बारे में कोई जानकारी देने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता आपको, आपको है, फिर भी बता दूं कि इलियम क्या है, भोजन अब यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट होने के बाद जो भोजन का क्या है एब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होगी, इलियम, कोलोन और एनस, मतलब कि इलियम और कोलोन में वो क्या एब्जॉर्प्शन होगा, जितने भी साल्स हैं या जितने भी वाटर्स हैं, और उसके बाद जो भी क्या आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा वो हमारे इस एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो, समझ में आया कि नहीं बताओ, फिर मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब चालू करूंगा, इसके बाद मुश्किल से 10 मिनट फिर खत्म। जल्दी बताओ सर, गिजर्ड का वर्क केवल फूड को ब्रेक करना है क्या? नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूं, देखो अभी मैंने सिर्फ किशन मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ संरचना बताया है, क्या बताया, सिर्फ संरचना कि ये संरचना उसके क्या काम है। अभी मैंने क्या बोला, उसका नेक्स्ट पार्ट अभी पढ़ने वाले क्या, ग्लैंड्स ये तो बता दिया, सेलिवरी ग्लैंड्स है, और उसके अलावा एक और जो ग्लैंड्स बोल दिया वो यहाँ पे निकलेगा, कहाँ पे हमारा, इस गैस्ट्रिक सीकी या फिर हिपैटिक सीकी के पास, ये बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप। सर एब्जॉर्प्शन में डाउट कई जगह पे लग रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब कौन सा, टिड्डे का एब्जॉर्प्शन या फिर ह्यूमन का, ये बताओ किसका किसका अश्वनी, किसका, टिड्डे का या फिर ह्यूमन का, ये बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा टिड्डे का, अभी बताने वाला हूँ, डाइजेशन हमने चालू किया ही नहीं है, अभी हमारा थर्ड पॉइंट वही है कि इसमें डाइजेशन कैसे होगा, मैं वही बताने वाला हूँ, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। चलो अब चालू करते हैं क्या हम इसका ग्लैंड्स, ठीक। तो जैसा कि हम अब मैंने क्या बोला कि अगर भाई हम पाचन कर रहे हैं तो पाचन क्या है, मैंने बोला कि इसमें मैकेनिकल और केमिकल फोर्स लगेगा, उसके बाद भोजन का क्या वहाँ पे पाचन होगा। तो हमने क्या यहाँ पे मैकेनिकल क्या देख लिया, भाई यहाँ जो गिजर्ड है उस गिजर्ड पे क्या हो गया, मैकेनिकल फोर्स लग गया, इवन माउथ वेव उसने कर दिया, लेकिन हमारे पास कुछ ग्लैंड्स भी है, एक आपका क्या सेलिवरी ग्लैंड्स है, ठीक,
सेलिवरी ग्लैंड, जो कि मैंने क्या बोला, टू पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, ये भी आएगा, इसमें मिलेगा, है ना। अब आपको जब सेलिवरी ग्लैंड की बात करें तो सेलिवरी ग्लैंड में भी कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाएंगे, आप बहुत ही आश्चर्य और शॉक्ड हो जाओगे, सॉरी, कि यह जो सलाइवा है किसका, टिड्डे का। तो टिड्डे के सलाइवा में भी, जैसे कि ह्यूमन सलाइवा में जो जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, वैसे ही एंजाइम्स इसमें भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या, इसके सलाइवा में क्या पाया जाएगा, हमारे सलाइवा में क्या पाया गया था, एमाइलेज मिला गया था, यस। तो सेम चीज में भी एमाइलेज मिलेगा, ये भी एमाइलेज मिलेगा इसमें, और उसके अलावा जो दूसरा जो हमारा जो ग्लैंड वो कहाँ मिलेगा हमको, इस वाले पोर्शन में, इसको हमने क्या बोला था, गैस्ट्रिक सीकी या फिर हिपैटिक सीकी, अभी नाम को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ एंजाइम्स का सीक्रेशन होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीओजेस। और प्रोटीओजेस मतलब, आप मुझे जल्दी से रिप्लाई करके बताओ प्रोटीओजेस मतलब क्या, फिर मैं आगे इसको बताऊंगा, फिर हमारा जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो डाइजेशन प्रोसेस, ठीक, कैसे होगा ये बताऊंगा अभी मैं, ऐसे मैं बता चुका, फिर भी थोड़ा सा और डील कर लेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी, गैस्ट्रिक सीकी में भी बताऊंगा मैं, गैस्ट्रिक सीकी भी बता रहा हूँ, आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, यस, मैंने बोला यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक सीकी है, वहाँ पे क्या, प्रोटीओजेस एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और ये प्रोटीओजेस कहने का मतलब क्या है मुझे ये बताइए, विच करिएगा ना, विच ब्रेक्स प्रोटीन, क्योंकि WHO वर्ड्स लिविंग जो ऑर्गन्स नहीं, लिविंग जो थिंग्स हैं उनके लिए WHO वर्ड यूज होगा, हु, है ना, हु वगैरह, और विच और दैट ये हमारा होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, और दूसरी जो बहुत ही टाइनी चीज़ें होती है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग करें, प्रोटीन में भी, यस, बहुत सही, मैंने कहा प्रोटीओजेस, तो ऐसे एंजाइम जो कि क्या प्रोटीन का यहाँ क्या ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होंगे। तो कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा, अब इसको आप पेनक्रियास के साथ सीधे सीधे संबंध जोड़ लीजिए, ह्यूमन पेनक्रियास। तो पेनक्रियास में क्या क्या रिलीज हुआ था वहां पे, याद करो वहां क्या निकला था, ट्रिप्सिन निकला था, उसके बाद काइमोट्रिप्सिन निकला था, उसके बाद लाइपेज निकला था। तो इस प्रकार से ये जो एंजाइम है वहां भी पाए जाते हैं, कहां पर, हमारे इस नॉट हमारे टिड्डे के गैस्ट्रिक सिकी पे, ठीक हो गया। तो यहाँ हमको बस इतना ही पढ़ना था कि हमको एक सलाइवा मिलेगा, सेलिवरी ग्लैंड, वहाँ पे हमको क्या एमाइलेज मिलेगा, उसके अलावा हमको गैस्ट्रिक सीकी से भी कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा, और जो गैस्ट्रिक सीकी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स पाए जाएंगे जिनके कारण से इसका क्या वहाँ पे कुछ रिलीज होगा, जो हमारे जो हॉर्मोन्स है, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है। ओनली 13 वॉच रेनिन नहीं निकलेगा, सुनील दीपिका भी ठीक कह रही है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, यस, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा, ठीक है, यस। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, हमारा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सिर्फ दो थे, इतने आपको याद करना है, और ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, गैस्ट्रिक आपके जितने जूस हैं उससे। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा क्या है, जिसके लिए सबको डाउट है कि एब्जॉर्प्शन और क्या डाइजेशन, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस। तो जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन से हमने क्या डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, तो कुछ चरणों में वो चीज़ क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। और चरण कौन कौन से, अगर हम बात करें टिड्डे का, तो टिड्डे में जो चरण है वो कौन कौन से होंगे, तो पहला क्या होगा, एज यूजुअल भोजन को इनटेक करना, मतलब कि इंजेशन ऑफ फूड, है ना, आसान है, याद करो ऐसे ही। और दूसरा चीज, हमने उसको इंजेस्ट किया है, मुँह के अंदर हमने उसको खाया है, तो क्या करेंगे उसको, हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कहाँ तक, हमारे डाइजेस्टिव क्या उस ऑर्गेन तक। तो दूसरा इसका पार्ट, रुको रुको, वीडियो नजर आ रहा है क्या आप लोग को, प्लीज दो मिनट मुझे दीजिएगा, प्लीज दो मिनट, अगेन आई सी फॉर योर पार्डन, कि फिर से ये चीज़ें वैसे ही हो रही है क्या, एक्चुअल मैं बैड लक का काफ़ी धनी व्यक्ति हूँ, है ना, तो बैड लक फिर से आ गया है, कि फिर से नेटवर्क में इशू है और कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही, जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उसके लिए फिर से सॉरी। और जितने लोग फिर से जुड़े थे, आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, फिर उसको लास्ट है, बस दो मिनट लगेगा, ख़त्म कर दें, लास्ट है बस। बहुत कम लोग दिख रहे हो, आ जाओ आ जाओ,
लिटरली बस 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट इससे ज़्यादा नहीं, बस आ जाओ। चलो ठीक है, जैसा भी हम स्टार्ट खत्म करते हैं, लास्ट लागे हम लोग का ना, बस 2 मिनट का वो है काम है। अब हम लोग बात किए पहला क्या, इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा कहाँ पे, डाइजेस्टिव ऑर्गन तक, और वहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा, और उसके बाद लास्ट हमारा क्या प्रोसेस है, एक क्या होगा वहाँ पे, इजेशन होगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आपका इजेशन। तो इस प्रकार से जब हम बात करें डाइजेशन का, तो भोजन जब इसमें लिया जाएगा कहाँ पे, हमारे इसोफेगस के द्वारा, मुंह से लिया जाएगा इसोफेगस, तो इसोफेगस में भी यहाँ क्या है, म्यूकस का सिक्रीशन होगा, प्लस वहाँ पे क्या आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट के थ्रू भोजन हमारे इस क्रॉप पे आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, क्रॉप पे, और क्रॉप का, क्रॉप का एक स्टोरेज रहेगा फूड का। अब यहाँ पे देखो, यह जो क्रॉप है, अब इसका काम क्या है, यहाँ पे इसने तो भोजन को क्या किया वहाँ पे, स्टोर किया, पहला काम। दूसरा, जो फूड मूवमेंट है यहाँ पे, फूड मूवमेंट उसको ये कंट्रोल करता है, इसकी जो दीवार है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से फूड कहाँ पे आएगा हमारे, इस कहाँ पे, गिजर्ड पे, और गिजर्ड पे आने के बाद वो जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रश करेंगे, और भोजन कहाँ पे आएगा, इस वॉल्व में, और यहाँ पे भी वॉल्व कैसे आएगा, धीरे धीरे, जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने क्या आपको गैस्ट्रिक सीकी या फिर हिपैटिक सीकी बोला, तो इसकी जो दीवार है वो क्या, एपिथेलियल सेल की बनी होगी, और जो एपिथेलियल जो सेल है वो यहाँ पे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करेगा, जो कि प्रोटियोलाइटिक इन एंजाइम इन नेचर होगा, क्या होगा, प्रोटियोलाइटिक या फिर प्रोटियोजेज एंजाइम का ये सिक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पे भोजन क्या है, वह जो एंजाइम है यहाँ पे उस भोजन के साथ रिएक्शन करेगा, और उसको और भी अपेक्षाकृत सरलतम चीज़ों में क्या, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद यह जो भोजन इस वेंट्रिकुलस में है, और वेंट्रिकुलस में भोजन आने के बाद यही वेंट्रिकुलस से वह जो भोजन वो क्या करेगा, यहाँ पे उसका पूर्ण पाचन होगा। मैंने क्या बोला, पूर्ण पाचन होगा, और क्यों होगा, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाया गया था, उस मेम्ब्रेन में भी क्या होगी, यहाँ पे भी क्या एकदम स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जब भोजन क्या डाइजेस्ट हो गया, तो उसके साथ ही साथ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। और यह एब्जॉर्प्शन होने के बाद वह जो भोजन है इस पाइलोरिक वॉल्व से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, हमारे आपके हाइंड गट पे, और जहाँ पर भोजन क्या, भोजन में सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसमें क्या सॉल्ट्स और वाटर होंगे, उसको क्या ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डाइजेशन छोटा सा था, हो गया खत्म। ठीक, चलो फिर भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हो, मुझे लगा मेरे में ही प्रॉब्लम है, नहीं अश्विनी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सब जगह है, मेरे पास भी है ना। चलिए, तो इस प्रकार से ये चीज़ें खत्म हो गई आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और इतने इंटरप्शन के बाद भी आप मुझसे जुड़े हुए, उसके लिए मैं फिर से अपने तहे दिल से आपका क्या, मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ। ठीक, और तो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे बिल्कुल YouTube का जो इस वीडियो है उसमें आप मैसेज करिएगा, जैसे कि अश्वनी ने किया था और 2-3 लोगों ने किया, तो उसी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि देखो इतना इंटरप्शन हुआ तो मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें स्किप हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं आपको चीज़ें कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन इतना जो मैंने बताया है, नो डाउट यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लोगे, इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो इतना कहने के बाद मैं आप लोग से क्या, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है समृद्धि, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली रिप्लाईज करता हूँ जितने भी डाउट्स आते हैं उनको, और मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में उसको भी मैं फिर से डील कर दूँ, ताकि वो डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए, इस प्रकार से क्लास अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो शेयर करना है, आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि आप लोग तरफ से मुझे क्या नहीं दिख रहा, पार्टिसिपेंट्स नहीं दिख रहे ना, तो शेयर करना है, लाइक करना है, और बेल बटन को भी दबा देना है। तो ठीक, इस प्रकार से मैं आपको गुड नाइट बोलता हूँ, और अच्छे से सोइए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम को। ठीक है, चलिए